इस्लामी वर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया में तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रसिन सैलेड तो ये बहुत क्रीमी बहुत मज़े का होता है तो मुझे तो ये बहुत पसंद है तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा इसमें ऑप्शन होते हैं आप लोग अपनी फेवरेट का फ्रूट डाल सकते हैं अपनी फेवरेट के वेजिटेबल्स डाल सकते हैं तो जो आपको पसंद है आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें तो बहुत ज़बरदस्त बनता है तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है तो मैंने इसमें मटर भी ऐड करने थे लेकिन वो मुझे मिले नहीं तो इसलिए आप लोग इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं तो आप लोगों ने इसको ट्राई करना है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए तो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए यहाँ पे मैंने एक कप बॉयल गाजर ले ली है एक कप मेरे पास आलू है दो मेरे पास सेब है अभी मैंने इसको कटिंग नहीं किया वरना ये काले पड़ जाएंगे, अंगूर है एक कप मेरे पास चार आदत मेरे पास केले हैं और मेरे पास चीनी है टू टेबल स्पून भर के पीसी हुई चीनी काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास वन टी नमक हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम है ये ऑप्शनल अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत ऐड डालें एक पैकेट क्रीम का और एक कप मैं डालूंगी मायोनेस तो ये चीज़ें हमें चाहिए आलू भी मैंने बॉईल की हुई हैं और गाजरें भी बॉईल करके रखी हुई हैं तो पैक क्रीम का एक पैकेट जहाँ था जो मेरे पास वो मैंने एक बॉल में डाल दिए इसमें मैं डालूंगी मायोनेस मायोनेस डाल के ये दोनों चीज़ें इनको मैं पहले से ये ठंडी है लेकिन हम इसको और ज़्यादा ठंडा करेंगे क्योंकि ये ठंडा बहुत अच्छा लगता है तो इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में दोनों चीज़ों को ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए तो तब तक हम अपने जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने जो बनाना और एप्पल है वो कटिंग नहीं किए तो वो काट लेते हैं तो इस तरह से हम इनको छील के तो कटिंग कर लेंगे तो बच्चे जैसे कुछ फ्रूट्स नहीं खाते जो आपके बच्चे फ्रूट नहीं खाते तो आप लोग इस तरह से उनको फ्रूट और वेज वेजिटेबल्स मिक्स करके इस तरह खिला सकते हैं तो इस तरह बच्चे बड़े शौक़ से खा लेंगे तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा उनको यकीनन ये पसंद आएगी तो इस तरह से मैं सारे कटिंग कर लूँगी तो अगर मैं पहले से काट देती तो ये कलर इनका जो है वो ब्लैक हो जाता इसलिए जब हम यूज़ करेंगे बनाना स्टार्ट करेंगे तब हम इसको कटिंग करेंगे पहले से कटिंग करके नहीं रखेंगे वरना फिर वो ख़ूबसूरत नहीं लगते और एप्पल को भी मैं काट लूँगी एप्पल का मैं छिलका नहीं उतारूँगी इसी तरह मैं काटूंगी इसमें थोड़ा तो सा रेड कलर का जो है वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से काट के ये बीज जो है वो मैं हटा दूंगी तो इस तरह से कटिंग कर लूंगी जो आपके बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं आप लोग तो वो फ्रूट ऐड करें तो अभी मैं मायूनीस क्रीम में चीनी और पिसी हुई चीनी है और काली मिर्च का पाउडर है और नमक ये सारी चीज़ें मैं डाल के मिक्स कर लूँगी काफ़ी ठंडी हो गई है ये तो अभी फ्रूट जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रेप्स डाल दूँगी बनाना और एप्पल जो मैंने काट के रखा हुआ है वो इसमें डाल दूंगी मिक्स कर लूँगी थोड़ा सा तो अभी मैं इसमें डाल दूंगी बॉयल आलू गाजर डाल दूंगी इसमें तो अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स तो ये देखें ये मिक्स हो गया काफी दिखने में मज़ेदार लग रही है तो ये तमाम चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो ये देखिए अभी मैंने इसको सर्विंग बॉल में निकाला है बहुत ज़बरदस्त बनी है आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आपको कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और इस मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें तो मैं फिर आऊँगी नई वीडियो के साथ इसी तरह मैं आपको